नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्रोपीडिया में। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो भारत की खुफिया एजेंसी को चकमा देकर तिहाड़ के ऊपर से प्लेन लेकर उड़ जाता है और सीधा पाकिस्तान में लैंड करता है। बाद में पाकिस्तान में जाके बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता भी है। तो चलिए कहानी को पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। यह कहानी आज़ादी के 15 साल बाद की है। जी हाँ, साल 1962 की कहानी। ये वही साल था जब भारत और चीन में युद्ध भी चल रहा था। इसी समय हमारी खुफिया विभाग को जानकारी मिलती है कि आज़ादी के बाद भी भारत के कई स्टेट के राजा महाराजा हैं जो अपने पास हथियार कारतूस रख रहे हैं जो कि स्मगलिंग का है। एजेंसियों के सामने सवाल ये था कि आखिर इन्हें ये हथियार कौन दे रहा था। जांच शुरू हुई तो जांच एजेंसियों को सुराग मिला और 1962 में खुफिया विभाग की टीम दिल्ली के अशोका होटल में छापा मारती है। वहां एक शख्स ठहरा था जिसका नाम था डैनियल हेली, जो कि अमेरिकन सिटीजन था। यह बेहद ही रईस आदमी था। इस विदेशी के कब्जे से एक बॉक्स मिलता है जिसमें 766 कारतूस मिलते हैं। मामला गंभीर था, लिहाजा डैनियल को हिरासत में ले लिया गया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि सफदरगंज एयरपोर्ट पर डैनियल का 4-सीटर प्राइवेट प्लेन खड़ा है। इस प्लेन का नाम था पाइपर अपाचे। पुलिस ने प्लेन की तलाशी ली तो उसमें 40 बक्से मिलते हैं। हर बक्से में 250 कारतूस थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को तिहाड़ भेज दिया। आरोपी बेहद अमीर और रसूखदार था। कुछ महीनों के बाद अपने पैसे और रसूख के बल पर रिहाई ले लेता है। हैरानी की बात यह थी कि डैनियल के ऊपर टाटा कंपनी का 60,000 रुपया भी बकाया था। जमानत की शर्त ये थी कि जब तक वो 60,000 का भुगतान नहीं करता तब तक देश छोड़कर कहीं जा नहीं सकता था। इधर पुलिस डैनियल की बेल कैंसिल करवाना चाहती थी और आरोपी देश छोड़कर जाना चाहता था। डैनियल टाटा का भुगतान नहीं कर पा रहा था, लिहाजा उसने भागने का प्लान बनाया। लेकिन पाकिस्तान जाते वक्त बाघा बॉर्डर पर पकड़ लिया जाता है। पुलिस दोबारा आरोपी को कोर्ट में पेश करती है और सवाल उठाती है कि आखिर क्यों ये आरोपी पाकिस्तान भाग रहा था। अदालत में केस चलने लगा। इसी दौरान चीन भारत की जंग भी जारी थी। डैनियल ने भारत सरकार से कहा कि मेरे कई प्लेन हैं, भारत चाहे तो मेरे प्लेन का इस्तेमाल इस युद्ध में कर सकता है। इसके बाद अदालत ने कहा कि डैनियल तुम आज़ाद हो, लेकिन तुम्हें टाटा के 60,000 चुकाने होंगे, तभी तुम देश से बाहर जा सकोगे। इस बीच डैनियल का पाइपर अपाचे सफदरगंज एयरपोर्ट पर ही खड़ा था। डैनियल ने अदालत में अर्जी लगाई कि मेरा प्राइवेट प्लेन खड़ा है, उसके इंजन को स्टार्ट करना जरूरी है, अगर ऐसा नहीं किया तो वो खराब हो जाएगा। अदालत ने तकनीकी सलाह लेने के बाद आदेश दिया कि डैनियल पुलिस कस्टडी में रोज सुबह 6 बजे प्लेन के इंजन को स्टार्ट करने एयरपोर्ट जा सकता है, जिसके बाद वो रोज एयरपोर्ट जाता, प्लेन का इंजन चालू करता और वापस आ जाता था। एक रोज यानी 23 सितंबर 1963 को डैनियल एयरपोर्ट गया, प्लेन का इंजन स्टार्ट किया और प्लेन को आगे बढ़ाया। प्लेन को रनवे तक ले गया और प्लेन स्पीड से दौड़ने लगा। इस बीच सुरक्षा में आए पुलिसकर्मी भी पीछे दौड़ने लगे, लेकिन तब तक देखते ही देखते प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। प्लेन हवा में उड़ने लगा। थोड़ी देर के बाद ये प्लेन तिहाड़ का रुख करता है। इस बीच पुलिस को भी खबर हो जाती है, एटीएस को खबर दी जाती है, डैनियल का प्लेन तिहाड़ पर 3 चक्कर काटता है, ऊपर से नीचे चॉकलेट और सिगरेट गिराता है, जिसके बाद डैनियल प्लेन का डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ कर देता है। जब तक फाइटर उसका पीछा करते वो प्लेन पाकिस्तान में लैंड कर जाता है। यहाँ जाकर डैनियल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और भारत सरकार पर आरोप लगाता है कि उसको लाल फीताशाही के तहत बेगुनाही पर जेल भेज दिया गया था। अब सवाल ये था कि वो भारत आया क्यों था, तिहाड़ के ऊपर सिगरेट चॉकलेट क्यों गिराया, और सबसे बड़ा सवाल आखिर ये डैनियल था कौन। जांच में पता चला कि डैनियल अमेरिका के टेक्सास में पैदा हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने अमेरिकन नेवी ज्वाइन किया। वर्ल्ड वॉर के बाद वो सैन फ्रांसिस्को पहुंच गया, जहां एक अमीर लड़की से शादी कर ली, जिसके बाद डैनियल ने ट्रांस अटलांटिक के नाम से एयरलाइंस शुरू की। आरोप था कि रिफ्यूजी को लाने ले जाने के लिए प्लेन का इस्तेमाल किया जाता था और कीमती जानवरों की स्मगलिंग का भी आरोप था। सवाल ये उठता है कि डैनियल भारत से कैसे जुड़ा।
दरअसल 1962 में एयर इंडिया ने डेनियल की कंपनी ट्रांस अटलांटिक को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि अफगानिस्तान में काम चल रहा है जिसमें इसके कार्गो विमानों की जरूरत है। इसके प्लेन भी काम में लग गए। इसी बीच भारत आकर इसने देखा कि राजा महाराजाओं को गोली हथियार की जरूरत है, लिहाजा तस्करी करने लगा। तभी पुलिस को जानकारी मिली और यह अशोका होटल में गिरफ्तार हुआ। तिहाड़ में कई कैदियों से डेनियल की दोस्ती हो गई थी और यही वजह है कि फरार होने के बाद उसने जेल के दोस्तों के लिए चॉकलेट सिगरेट बरसाए थे। कैदियों ने खूब सिगरेट और चॉकलेट लूटे। भारत से भागने के बाद डेनियल ने स्मगलिंग का धंधा दोबारा शुरू कर दिया। भारत की एजेंसी तलाश में जुटी थी। तारीख 8 जून 1964, पाकिस्तान के कराची से एक विमान उड़ान भरता है जिसमें पायलट कैप्टन मैकलिस्टर और को पायलट का नाम था पीटर जॉन फिल्बी। इस विमान को ईरान जाना था लेकिन यह अफगानिस्तान होते हुए भारत का रुख कर लेता है। ये प्लेन भारत की सीमा में दाखिल हो जाता है और बॉम्बे से 80 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। दरअसल यहाँ एक शख्स इनको हरे रंग के कपड़े से इशारा करता है और इन्हें प्लेन वहीं उतारना था, लेकिन वो शख्स नहीं मिला। इस बीच प्लेन का फ्यूल खत्म हो रहा था, लिहाजा प्लेन नोज के बल जा गिरा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। किसी तरह दोनों प्लेन से बाहर आए, लोगों की भीड़ लग गई और जनता ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया, जहां से इनको दापोली पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दोनों पायलट पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने अमृतसर के लिए उड़ान भरी है, उन्हें प्लेन से जरूरी सामान निकालना है। सामान निकालने के बहाने मौके पर जाते हैं। दरअसल इस प्लेन में 700-800 स्विस घड़ियां रखी थी जो दोनों ने बैग में भर ली। दोनों को पुलिस जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। मजिस्ट्रेट को भी दोनों आरोपी अमृतसर की कहानी सुनाते हैं और मांग करते हैं कि हमारे प्लेन की निगरानी की जाए, जिसके बाद दोनों घड़ियों से भरे बैग लेकर मुंबई पहुंच जाते हैं। ये सेंटा क्रूज पहुंचते हैं, पाकिस्तान की फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। इधर जांच शुरू होती है, जब तक पुलिस कुछ समझ पाती दोनों पाकिस्तान से लंदन पहुँच जाते हैं। इसी बीच पायलट कैप्टन मैकलिस्टर का जमीर जाग जाता है और वो एम्बेसी पहुंच जाता है। एम्बेसी को बताता है कि जो प्लेन लेकर ये भारत गया था उसका को पायलट का असली नाम हैली है, वो ही डेनियल हैली जो भारत को दो बार चकमा दे चुका था, जिसके बाद हैली को लंदन हिरासत में ले लिया गया। हैली के पकड़े जाने की जानकारी के बाद भारतीय एजेंसी की टीम लंदन पहुंची, लेकिन उसको अपने कब्जे में नहीं ले पाई। दोबारा से हिरासत से छूटने के बाद डेनियल तस्करी के धंधे में लग गया। इसी बीच डेनियल श्रीलंका में स्मगलिंग का सामान खपाने पहुंचा था और वहां से चेन्नई पहुंच गया, जिसके बाद 2 अगस्त 1967 को भारतीय एजेंसियों ने डेनियल को गिरफ्तार कर लिया। डेनियल पर मुकदमा चला, सभी धाराएं लगाई गईं और अदालत ने उसे 7 साल की सजा सुनाई। 7 साल की सजा काटने के बाद वह जेल से रिहा हो गया। लोग बताते हैं कि जेल में उसने कई कैदियों से कहा था कि वो CIA का एजेंट है। डेनियल की रिहाई के बाद उसका केस बंद हो गया, लेकिन कई सवाल अभी भी मुँह फैलाए खड़े थे। मसलन, क्या वो एक बड़ा स्मगलर था, एयरलाइंस का मालिक, या फिर वो एक CIA एजेंट था। 7 साल की सजा काटने के बाद वो दोबारा अमेरिका चला गया और खबर ये भी आई कि साल 2000 में अमेरिका में ड्रग्स गैंग्स के साथ शूटआउट में डेनियल की मौत हो गई। डेनियल की पहेली आज भी एक पहेली बनी हुई है। तो ये थी एक ऐसे स्मगलर की कहानी जिसने भारतीय एजेंसियों को एक नहीं बल्कि दो दो बार चकमा दिया और तिहाड़ के ऊपर से प्लेन लेकर उड़ गया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसी ही और कहानियाँ आप तक लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।